फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 CBSE का चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले इसमें हम क्या देखेंगे? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटीरियल्स। एवरीडे अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑकर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत सारे, जैसे कि जो पेड़ होता है, जो पौधा हम लगाते हैं, उसका पेड़ बन जाता है। अ पीस ऑफ आइस, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा जो होता है, अगर हम उसे खुले में रख देते हैं, फिर से बाहर रख देते हैं, तो वो पानी बन जाता है। व्हेन यू ऐड शुगर टू वाटर, अगर तुम पानी में शुगर यानी कि चीनी ऐड करते हो, तो वो मीठी बन जाती है टेस्ट में। सिमिलरली, उसी तरह सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंज, अगर हम मिल्क में थोड़ा सा खट्टा, मतलब कि जो कर्ड का एक चम्मच डाल देते हैं, तो वो कर्ड बन जाती है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस अराउंड अस बाय देयर ओन। वो खुद ही कह रहे हैं, जैसे कि इन द फील्ड द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो खुद ही होता है, हम थोड़ी ना उन्हें करते हैं कि हमें खींच खींच के बड़ा करते हैं, वो खुद ही बड़े होते हैं ना। वो कह रहे हैं वो खुद ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो खुद ही होते हैं, ठीक है। जो फील्ड में हम छोटे पौधे लगाते हैं, वो पेड़ बन जाते हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कभी कभी जो लीव्स होती हैं ट्रीज से गिरने लगती हैं, जब गिरती हैं वो, तो वो येलो हो जाती हैं, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी मतलब ख़राब होने लग जाती हैं, ठीक है। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, वो सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वाइदर अवे, जैसे कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो मतलब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसमें कुछ दिनों बाद फ्लावर्स आ जाते हैं और फिर वो सूख के गिर भी जाते हैं। और एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या तुम्हारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं? येस, योर नेल्स ग्रो, आपके जो नेल्स हैं वो बड़े हो रहे हैं। योर हेयर ग्रो, आपके हेयर भी बड़े हो रहे हैं, आपके जो बाल हैं वो भी बड़े हो रहे हैं। यू ग्रो टॉलर, आपके जो हाइट बढ़ी है, मतलब आपकी हाइट बढ़ रही है, आप लंबे हो रहे हो, और आपका जो वेट है यानी कि आप मोटे भी हो रहे हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मान लो कि आपका ज़्यादा वेट नहीं है, पर जितना छोटे बच्चे का 1-2 किलो होता है, किसी बड़े का तो 1-2 किलो नहीं हो सकता ना, है ना। वैसे ही एज यू ग्रो, जब तुम बड़े होते हो, तुम्हारा वेट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टूगेदर, क्या उनके कुछ कैटेगरीज हैं जो आप देख चेंजेस हैं? यस, इट माइट बी, ये हो सकती हैं। इफ़ यू फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दैम, तो पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिविजिबल चेंजेस। सो रिविजिबल क्या होता है? रिविजिबल होते हैं चेंजेस दैट ऑकर अराउंड, कैन बी ब्रॉडली categorized as revisible and irrevisible, ठीक है। तो revisible क्या होता है? revisible होता है जो हम उसके बार बार repeat कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आइस है हमारे पास, आइस को हमने बाहर रख दिया, वो पानी बन गया। पानी को हमने फ्रीजर में रख दिया, वो आइस बन गया। तो हम इसे बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो ये होते हैं revisible changes। और irrevisible changes होते हैं जिन्हें हम repeat नहीं कर सकते। जैसे कि हमने आग जलाई, तो उसमें काला काला सा देता है ना वो, तो उसमें हम नहीं कर सकते, है ना। उसमें हम बार उस बार बार पेपर नहीं बना सकते। जैसे मैंने एक पेपर को बर्न करा, तो उसका धुआं निकला और भी निकला, है ना, उसके काला काला हो गया, पर हम उस पेपर को वापस पेपर तो नहीं बना सकते ना, है ना। ऐसे ही। बाय बाय।